नमस्कार फ्रेंड्स, ये है रोलैंड FA06। और आज इस कीबोर्ड में जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ सैंपल्स को इंपोर्ट किया है और उन सब सैंपल्स को इंपोर्ट करके फिर कीबोर्ड के अपने जो ब्लैक एंड व्हाइट स्विचेस है उन कीज के ऊपर हमने उस सैंपल को असाइन करने की कोशिश करी है। और वैसे तो आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये कीबोर्ड में मल्टी सैम्पलिंग का कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहे तो अलग अलग जैसे 61 कीज है तो 61 कीज के हिसाब से अगर हम सैंपल्स को रिकॉर्ड करके इंपोर्ट करें या तो फिर हम अगर हमारे पास कोई लाइब्रेरी है तो उसमें से वो सैंपल्स को यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये सैंपल्स अभी हमने यहाँ पर जो इंपोर्ट करके कीबोर्ड के ऊपर जो सेट किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी मैंने यहां पर जो भी सैंपल असाइन किए हैं वो रोलैंड XP60 कीबोर्ड का अपने रेगुलर लैपटॉप में रिकॉर्ड किए हुए सैंपल है और उसी सैंपल को कोई ज्यादा इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं किया है, लेकिन आइए मैं एक बार आपको दिखाता हूं। तो यह है रोलैंड XP60 का एक परफॉर्मेंस के साउंड था, उसका एक रिकॉर्ड किया हुआ पूरा सैंपल सेट है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी यहां पर C3 से लेकर के ये पूरे कीबोर्ड तक मैंने ये सैंपल को सेट किया हुआ है। राइट फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि सैंपल्स कैसे है, कहां से उसको इंपोर्ट किया और अगर कीबोर्ड पे असाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे अपने ये कीबोर्ड में नॉर्मली जैसे हम लोग स्टूडियो सेट का यूज करते हैं वैसे ही इसका भी हम लोग यहां से उपयोग कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने जैसे एक नंबर पैड सेट किया है तो यहां पर जैसे संतूर का साउंड है, दो नंबर पर दूसरा संतूर है, फिर अपना जैसे 9 नंबर पर शहनाई का साउंड है, दस नंबर पर एकॉर्डियन है, और 16 नंबर पर अपना संतूर है, सॉरी स्ट्रोक है। तो हमारा ये सैंपल को भी हम ऐसे रेगुलर अपने पैड पे असाइन करके परफॉर्मेंस या फिर हम जिसको स्टूडियो सेट कहते हैं उस तरह से यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमने ये कीबोर्ड में जो असाइन किया है वो कैसा है क्या है। अगर हम इसको पैड मोड करते हैं, पैड मोड में हम देखते हैं सैंपल पैड। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने 9 नंबर के पैड से यहां पर कुछ सैंपल्स असाइन किए हैं, वो भी है अपना बैंक नंबर 2। और अगर हम देखते हैं बैंक नंबर 1 में तो मैंने यहां पर कोई भी पैड असाइन नहीं किया है क्योंकि मेरे पास जो सैंपल है वो C3 से है, C3, C#3, देन D3, D#3, E3, F3। तो ये पूरा इस तरह से हमने एक एक सैंपल को हर एक पैड के ऊपर सेट करना है। अब आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब जैसे बैंक नंबर 3, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां पर 16 के 16 सब सैंपल्स को सेट किया हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बैंक में चलेंगे तो वहां पर आप जैसे देखेंगे तो यहां पर 13 सैंपल यहां पर लेकर के अभी ये अपना और साउंड बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि अगर हम ये सब सैंपल्स को डिलीट कर देते हैं और फिर उसके अंदर हम कोई नया सैंपल, यही नए सैंपल अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहां से सैंपल डिलीट करते हैं।
सैंपल डिलीट करना भी अपने ये कीबोर्ड में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको जो भी सैंपल्स आपके डिलीट करने हैं वो यहाँ से आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो तब तक मैं ये सब सैंपल्स को एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा खराब नहीं हो। अब फ्रेंड्स अपने ऑलमोस्ट सभी बैंक्स बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, मैंने सभी सैंपल्स को डिलीट कर दिया। बैंक नंबर 3 में भी कोई भी सैंपल असाइन नहीं है और बैंक नंबर 4 में भी कोई नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास जो अभी सैंपल है वो C3 से है, दैट मीन्स 25 नंबर का सैंपल है वो, हम ऐसा कह सकते हैं। और मैंने जब सैंपल रिकॉर्ड किया है तो उसको मैंने प्रॉपरली सबको रीनेम किया था। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से सैंपल इम्पोर्ट करते हैं। अब सैंपल इंपोर्ट करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये है 25 नंबर का सैंपल, ये आपके सामने बहुत क्लियर मैंने नंबरिंग करके रखा हुआ है, ये 25 नंबर का है और वो है C3। तो इस सैंपल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी जैसे यहां पर हमारा C3 नंबर पर ये सैंपल आ चुका है। अब यहां पर और दूसरा सैंपल इंपोर्ट करेंगे 26 नंबर का, ये अभी 26 नंबर पर अपना सैंपल आ चुका है। फिर हम ये तीसरा सैंपल है वो 27 नंबर का सैंपल है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। और चौथे नंबर का सैंपल है वो है अपना 28 नंबर का सैंपल, इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब फ्रेंड्स जैसे अभी यहां पर हमारे सामने सिर्फ 4 सैंपल है और सेम मैं आपको पैड्स पे दिखाता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहां पर ये चारों सैंपल है जो मैंने 9, 10, 11 और 12 इन नंबर पर मैंने असाइन किया था। और ये सैंपल का अगर परफॉर्मेंस आपको देखना है तो इस तरह से आप ये भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो मैं कीबोर्ड के अंदर जो सैंपल जिस नंबर पे सेट कर रहा हूं सेम यहां पर हमें पैड पे भी मिलता है। आइए मैं अभी इसके साथ में यहां पर एक 13 नंबर पर एक सैंपल इंपोर्ट करता हूं, वो है 29 नंबर का सैंपल। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये लाइट भी चालू हो गया, मैंने वहां पर स्क्रीन पे लिया ये सैंपल है अपना E3 का। आइए फ्रेंड्स इसके साथ में हम और भी सैंपल इंपोर्ट कर लेते हैं, ये है F3। यहां पर हम लेंगे 31 नंबर का सैंपल और यहां पर लेंगे 32 नंबर का सैंपल। और फ्रेंड्स तब तक मैं बाकी के अपने जो जितने भी बैंक से उसमें सैंपल इंपोर्ट कर लेता हूं, क्योंकि आप बार बार ये सब प्रोसेस देख करके मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। तब तक फ्रेंड्स मैं आपको बीच बीच में जो भी हमारा आगे आगे के सैंपल चलते चलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जैसे 37 नंबर था, अभी हम यहां पर 38 नंबर का सैंपल ले रहे हैं, अब यहां पर 39 नंबर का सैंपल लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आप साथ में नंबरिंग भी लिखेंगे तो आपके लिए इस सब सैंपल को जब इंपोर्ट करते होंगे तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी जैसे हमने 47 नंबर का सैंपल लिया है, अब हम यहां पर 48 नंबर का सैंपल लेंगे। अब हम बैंक नंबर 4 में जाएंगे फ्रेंड्स। अब जैसे आप देख रहे हैं यहां पर C5 नंबर का सैंपल चल रहा है। अब जैसे हमने यहां पर 57 नंबर तक सैंपल इंपोर्ट किए हैं, अब हम यहां पर 58 नंबर का सैंपल इंपोर्ट करते हैं। ये मैं आपको फ्रेंड्स बीच बीच में थोड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि ये ज्यादा बोरिंग नहीं हो जाए आपके लिए। सीक्वेंस भी आप देख रहे हैं 57, 58, 59, अब आएगा 60। अब हमारे पास कीबोर्ड में जैसे 61 नोट्स होते हैं इसके, जैसे अभी हमारे पास 61 कीबोर्ड है इसलिए इसमें 61 नोट्स है। तो
फिलहाल ये सब सैंपल्स फ्रेंड्स हमारे सामने हैं। और अब इसी कीबोर्ड को आप इसी तरह से प्ले करना चाहेंगे तो होगा क्या, इसमें कोई सस्टेन नहीं मिलेगा आपको। और ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसमें हम सैंपल्स को बहुत ज्यादा एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसी सैंपल को अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं तो इसको लेकर के हमने क्या करना पड़ेगा, ये मैं वो आपको दिखाता हूं। अब फ्रेंड्स जैसे ये 61 नंबर का सैंपल है, उस सैंपल को एडिट करना है और यहां पर जो गेट ऑफ है उसको ऑन करना है अपने, अरे ऑन है उसको ऑफ करना है सॉरी। जब आप गेट ऑफ कर देंगे तभी आपका सैंपल सस्टेन होगा। अभी हम यहां से सभी सैंपल का गेट ऑफ कर रहे हैं ताकि हमें जो सस्टेन चाहिए वो सस्टेन मिलेगा। अब फ्रेंड्स फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कीबोर्ड में कोई इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है सैंपलिंग को लेकर के, लेकिन फिर भी एक ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज करके हम एक बार के लिए अगर हमारे कीबोर्ड में कोई साउंड नहीं है तो उस साउंड का यहां पर इंपोर्ट करके पूरे कीबोर्ड में उसको एज अ मल्टी सैंपल सेट कर सकते हैं और फिर आप चाहे तो आपके कीबोर्ड में उस साउंड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि XP60 का सैंपल हमने यहां पर यूज किया हुआ है। तब तक फ्रेंड्स मैं इसको एडिट कर देता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा नहीं खराब हो। अब हमने हमारे कीबोर्ड के सभी सैंपल्स को एडिट कर लिया है, उसके अंदर जो गेट है उसको हमने ऑफ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम ये कीबोर्ड को प्ले करेंगे तो उसमें हमें पर्टिकुलर उस साउंड का सस्टेन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा, अभी फिलहाल हमने ये देखा फ्रेंड्स कि हमने सैंपल्स को इंपोर्ट किया, गेट ऑफ किया, सभी पैड पे असाइन कर दिया और अब इस सैंपल को अगर हम चाहते हैं कि हम उसको कोई अपना नाम देकर के उसको स्टोर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अभी जैसे यहां पर ये पैड मोड में है, पैड मोड में से हम अगर इसको एग्जिट करते हैं, अब आपके पास ऐसा कोई भी आपका स्टूडियो सेट हो, उस स्टूडियो सेट में आप चाहे तो चलिए हम एक बार के लिए इनिशियलाइज कोई स्टूडियो सेट ले लेते हैं। अब हम कोई भी एक इनिशियलाइज स्टूडियो सेट ले लेते हैं और उसको अगर हम ज्यादा एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से हमने सिक्वेंसर को ऑन करना है। अब सिक्वेंसर ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने ये ऐसा एक स्क्रीन आएगा और इस स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जैसे ये लास्ट नंबर 16 नंबर है, वहां पर जैसे अभी हमने यहां पर रखा हुआ है पैड, ये मैं आपको थोड़ा स्क्रीन जूम करके दिखाता हूं। अभी ये स्क्रीन का डिस्प्ले का थोड़ा परेशानी है इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पा रहा हूं फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर जैसे मिडी लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर के फॉन्ट से वो मिडी है और मैं अगर इसको पैड की जगह पर मिडी कर देता तो ये पियानो हो गया और मैंने यहां पर मिडी की जगह पैड सिलेक्ट किया है। अब फ्रेंड्स मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी आपको ये स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा हूं। अब यहां पर आप पैड्स कर देंगे अब आप सिक्वेंसर ऑफ करेंगे तो आपका ये इनिशियलाइज स्टूडियो सेट है और इसमें आपको 16 नंबर पर और फिर एक नंबर दो नंबर उनके सबके ऊपर तो आपको जो भी आपका डिजायर साउंड रखना है वो रख के आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि शायद आज का अपना ये जो ट्यूटोरियल है रोलैंड FA06 कीबोर्ड में सैंपल्स इंपोर्ट करना और उसको कीबोर्ड में सभी पैड्स के ऊपर सेट करके उसको कीबोर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट कीज के ऊपर उसको प्ले करने के लिए सेट करना कुछ आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर फ्रेंड्स इसको लेकर के अगर आपके कोई भी सजेशन हो सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, दूसरे वीडियो में हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।
ये है अपना स्ट्रोक का साउंड जो रोलैंड XP60 से हमने सैंपल करके लिया है।